नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मेरे घर में पूजा है, तो पूजा होगा कुल देवता का। तो चलिए, कुल देवता के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद में दोस्तों बनाएंगे खीर, पूरी, रोट, झिल्ली, ये सब बनाएंगे। तो पहले हम दाल उबाल रहे हैं, दिखाती हूँ। चूल्हा पर बनता है हम लोगों के यहाँ कुल देवता के लिए। तो देखिए, हम यहाँ दाल उबाल रहे हैं, चना का दाल है। बहुत देर हो गया है, दाल को हम चढ़ाए हुए थे। 4 से 5 मिनट लगेगा और दाल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद दाल बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है खीर बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, कैसे हम लोगों के यहाँ कुल देवता का पूजा होता है आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, दाल उबाल लिए हैं और इसमें से जो है पानी पसा दिए हैं। उसके बाद जो है दाल को हम बारीक पीसेंगे। और देखिए, खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दिए हैं तसला में और यहाँ चैला लगा दिए हैं। जब तक दूध गर्म होता है तब तक हम सिलवट पर दाल पीसते हैं। यहाँ मिक्सी तो नहीं है, जब मिक्सी में पीसेंगे तो दाल चना को पीस देते हैं तो नरम होता है। तो आइए हम पीसते हैं सिलवट पर। तो दोस्तों दूध गर्म हो गया है तो हम चावल यहाँ साफ कर लेते हैं, इसको बीन लेते हैं। इसमें कंकर आर होगा। और देखिए, चलिए दिखाती हूँ, मेरी गोतनी जो है दाल पीस रही है। जब तक वो दाल पीसेंगी तब तक हम चावल को साफ करके मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, दाल पीस रही है, दाल पीस रहे हैं प्रसाद के लिए। प्रसाद बनाने के लिए दाल पीसेंगी, तब तक हम चावल मिला देते हैं, खीर बनेगा। दाल पिसाता है ना दोस्तों, तो पूरी जो है नरम होता है। कुल देवता के लिए जो प्रसाद बनेगा तो ऐसे कारा नहीं होगा, पूरी एकदम नरम होगा। तो चलिए, मेरी गोतनी जो है दाल पीस रही है, तब तक हम चावल को धो लेते हैं। जो है दाल पीस ली है, पूरा पीस कर तैयार हो गया है। देखिए कितना सारा जो है दाल हुआ है। तो चलिए दोस्तों, दाल पिसा गया है और यहाँ जो है लगभग मेरा खीर भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें सिर्फ चीनी डालना बाकी है। देखिए मेरा खीर भी तैयार हो गया है। दोस्तों खाली दूध में बनाए हैं, भगवान जी का प्रसाद है तो खाली दूध में ही खीर बना है। तो हल्का और गाढ़ा होने देते हैं, उसके बाद जो हम चीनी डाल लेंगे। और यहाँ दाल भी पिसा गया है, अब इसके बाद जो है हम खीर बन जाएगा दोस्तों। तो रोट बनाएंगे और साथ में झिल्ली बनाएंगे देसी अंदाज में। कुल देवता के लिए झिल्ली भी बनता है और रोट भी बनता है, तो कैसे बनेगा सब आप लोगों को दिखाएंगे। आइए दोस्तों, खीर में हम चीनी डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, खीर में चीनी डाल देते हैं। देखिए खीर कितना अच्छा जो है बनकर तैयार हुआ है। 1 मिनट तक हम पकाएंगे चीनी जो रखे हैं, ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगा। दोस्तों देखिए, गेहूं के आटा को अच्छी तरह से गूंद के और रोट बनाए हैं, और मोटा रहता है रोट। और मेरी गोतनी जो है तावा चढ़ा दी है और इसे साफ कर रही है। तावा गर्म हो गया है तो चलिए उठा ली, अब तावा पर रख दिए हैं। और इसे कम ताव में हमें पकाना होता है और इसे फूलने नहीं देना है। पलटिए पलटिए, फूलने नहीं देना है। क्योंकि रोट जो होता है हम लोगों के कुल देवता के बनता है तो ये फूलना नहीं चाहिए। ऐसे उलट पुलना तो फूलेगा नहीं, दिशा ज्यादा तो जल्दी फूल जाएगा। क्या ऐसी ना बनता है? ऐसी बनता है हम लोग का कुल देवता के प्रसादी। उलटिए उलटिए, नहीं तो फूलने लगेगा। उलट पुलट करके सिझाना होता है। तो रोट जो है लगभग आधा पक गया है और थोड़ा देर हम और इसे घुमा घुमा कर पका लेते हैं। देखिए किस तरह से रोट बनता है दोस्तों। अब हम रोट बना लिए हैं तो आप झिल्ली बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, झिल्ली के लिए आटा और इसमें गुड़ मिला लिए हैं।
हल्का पानी के फुहारा डाल के हम इसे गोन लेते हैं, उसके बाद कैसे झिल्ली बनाते हैं आप लोग को दिखाएंगे। और गुड़ को हम गोन लेते हैं, झिल्ली बनाएंगे कुल देवता के लिए। रोट बन गया है, रोट बन गया है, अब झिल्ली बनेगा। तो देखिए हम आटा को और गुड़ को अच्छी तरह से जो है मसल लिए हैं, ज्यादा हम काढ़ा करके इसे नहीं मसलेंगे और न ही ज्यादा नरम, एक रंग रहेगा ताकि जल्दी से बर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। बनकर तैयार कर लिया है तो अब इसे हम बनाते हैं। कैसे नकार बनते लंबा लंबा ऐसे 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 करते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह से जो है झिल्ली बनाएंगे, और चलिए रखते हैं तवा पर डालते जाएंगे बनाते जाएंगे। झिल्ली बन गया है, देखिए कितना सारा झिल्ली बनाए हैं, उतार लीजिए हो ये गया। चलिए झिल्ली बन गया है दोस्तों, हम लोग के कुल देवता का इसी तरह से जो है झिल्ली बनाकर तैयार करते हैं और चढ़ाते हैं। देखिए कितना अच्छा से कम ताव में हम इसे पका लिए हैं। तो आइए दोस्तों अब हमको झिल्ली रोट बन गया है और खीर भी बन गया है, तो चलिए अब पूरी हम छान लेते हैं। तो आइए पूरी, तो देखिए अब हम लोग पूरी बना रहे हैं, सारा प्रसाद बन गया है और सिर्फ पूरी बनाना बाकी है, तो पूरी भी बन रहा है और थोड़ा देर में पूरी भी बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। बनकर तैयार हो गया है, देखिए कितना सारा पूरी बनाए है। तो आइए अब चलते हैं पूजा करते हैं। तो आइए दोस्तों पूरी बन गया है, तो चलते हैं पूजा करेंगे। तनी रहा हम गेरुआ बना तो है, कैसा घुमा घुमा के गेरुआ बना देता है। पहले लकड़ी गर्भ होता ना, रोट चढ़ा गर्भ हो ना, हाँ कहाँ ठीक से टूटल ना, देवाल सटा कर, देवाल से नहीं करियो सटा कर बाबू, आ सटा होना जो ना तो एना उखड़ जात हो, ऊपर ओढ़ा दो एना पूरे दोहरा ना तब नयका देवता जे सब बैठल के है नई से नयका भगत सब, तो अपना पुरनका न है चढ़ाव, चढ़ावे में कोई हुनका कोतनो चढ़ाबू तो कुछ कोई कमी न दे छै। लड्डू रख लड्डू वह जनता खुद आ रख ना दहू वह बजरंग बली वाला में लड्डू पाते में रखे मम्मी वह बजरंग बली वाला में दू लड्डू चढ़ा दो, हाँ साइड से रख दो हूँ सार कॉलेज से तगड़ी है, हाँ राय दो तीन टिकट ना करो, एक आदमी अथी काम दे सुधा जिन चढ़ा दा आ फिर जखनी अथी होता ही ना पूरी रखते तो वह पर रख दिया फूल है वो चढ़ाने दो हमने सिंदूर कर दिए हल्का सिंदूर तो हमका हो गया हमका हो गए है तो अब इन तू आती हम कनिया बढ़ जाए ढक्कन खोल ना मैं तो बोले चुकर माफ करियो हो धिया पुता पूजा कर लियो कोई भी आदमी कर अनजान सुनजान माफ करियो। बन जला ना दिखाई दे छ
तो प्रसादी चढ़ा दिए हैं, अगरबत्ती भी बार दिए हैं, दीप भी जला दिए हैं, तो अब होमाद कर रहे हैं। तो दोस्तों पूजा हो गया है, तो देखिए प्रसादी खाने के लिए सब गोटा आ गए हैं, छत पे सब गोटा को बैठा दिए हैं और प्रसादी दिए हैं खाने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हंसी लग रहा है सबको। तो चलिए दोस्तों घर के सारे बच्चे हैं, सब खा रहे हैं प्रसादी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। यहाँ ऐसा ही पूजा होता है, आप लोग देखे ना, हम लोग ऐसी करते हैं। सावन में कुल देवता का, घर गोसाई का पूजा होता है, जिसे हम लोग कुल देवता भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, प्रेम से बोलिए जय माता जी, जय माता दी।